नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की सीरीज का पहला मैच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 555 रन के आगे स्कोर से खेलना शुरू किया था। इंग्लैंड की पहली पारी तीसरे दिन के पहले सेशन में 578 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जेम्स एंडरसन ने डोमिनिक बेस को LBW आउट किया और इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर आर अश्विन ने जेम्स एंडरसन को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की पहली पारी को 578 पर रोक दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। जी हां, जिस पिच पर भारतीय गेंदबाज संघर्ष कर रहे थे उसी पिच पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने शानदार स्विंग और बाउंस का कमाल दिखाया और पारी के चौथे ही ओवर में जॉफ्रा आर्चर ने एक शानदार आउटस्विंगिंग गेंद पर रोहित शर्मा की पारी का अंत कर दिया। रोहित शर्मा 9 गेंदों पर केवल 6 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को 19 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया। रोहित शर्मा अपनी पारी में दौरान एक चौका लगा सके। आपको बता दें, इसके पहले तीसरे दिन की शुरुआत में इंग्लैंड की टीम ने सधे हुए अंदाज में शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही नई गेंद लेकर जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड टीम को 9वां झटका दिया और इसके बाद जल्द ही रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड की टीम को उनका आखिरी विकेट निकालकर 578 के स्कोर पर रोक दिया। इंग्लैंड की टीम का लक्ष्य 600 स्कोर बनाना था, लेकिन इंग्लैंड की टीम वहां तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी एक बड़ा स्कोर जरूर खड़ा कर दिया। जहां टीम इंडिया के गेंदबाजों को 190 ओवर तक फील्डिंग करनी पड़ी थी, वहीं इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जल्द ही एक विकेट निकालकर बड़ी राहत की सांस जरूर ली होगी। वहीं टीम इंडिया बेहद निराश होगी क्योंकि उनके धाकड़ बल्लेबाज, जिनका एवरेज भारतीय सरजमी पर 88 से भी ज्यादा का है, वो सिर्फ 6 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गया। आपको बता दें, 8 ओवर के खेल के बाद टीम इंडिया ने 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।